हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों का लेसन क्लोज हो गया था। इसके बाद आपके रहते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सिंपल सर्किट के पहले बताने जा रहे हैं। सिंपल सर्किट के न्यूमेरिकल ध्यान दीजिए। और देखो हम आपको न्यूमेरिकल जो है स्टार्टिंग से करवा रहे हैं, और इसमें जो बिल्कुल एक जैसे न्यूमेरिकल मिलेंगे उनको हम छोड़ते जाएंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की करंट जो है 5 मिनट तक फ्लो करती है। 3 एम्पीयर की करंट 5 मिनट तक फ्लो करती है, तो कह रहा है कि फ्लो कराने पर 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। जो भी हमने स्रोत लगाया है, बैटरी लगाई है या सेल लगाया है, उसका ईएमएफ ज्ञात करना है। तो आप लोग ध्यान कर ले रहा, ई का फार्मूला था W/Q। ठीक है, क्यू के लिए आप क्या लिख सकते हैं, आई गुणे टी। डब्ल्यू का मान 1350, आई का मान 3, टी का मान 5 मिनट है, मिनट से सेकेंड बना लेंगे, 60 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, 0 से 0 काट लेंगे। ठीक है, और ये आपका लग जाएगा 5 से 5 2 10, 5 7 जा ऊपर क्या, 3 से 9 बार कट जाएगा, 9 5 6, 3 से काट लो 3 बार, 3 से 2 बार, 3 5 2, 1.5। ठीक है, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको हम E=W/Q, Q=, क्या लगा सकते हैं, IT से हल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा। दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वायर है जिसके सिरों पर 15 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। एक तार के सिरों पर 15 वोल्ट का विभवांतर लगाया है, फिर कह रहा है कि 600 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तार से होकर कितना आवेश रहना चाहिए। 600 जूल एनर्जी मतलब वर्क डन, 600 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तार से होकर कितना आवेश प्रवाहित होना चाहिए। और कह रहा है कि यदि आवेश को प्रवाहित होने में 30 सेकेंड का टाइम लगता है तो कह रहा है कितनी करंट फ्लो होगी। ये क्वेश्चन है आपके पास। एक तार के सिरे पर 15 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया। ठीक, 600 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तार से कितना आवेश बहे, और यदि आवेश को बहने में 30 सेकेंड का समय लगे तो तार से होकर कितनी धारा प्रवाहित होती है। तो देखो V=, आप लोगों ने पढ़ा है W/Q, V का मान है 15, W का मान 600, अपान में Q निकालना है। Q=, क्या आ जाएगा, 600 बटे 15, 15 से 40, Q=40 कूलाम आ जाएगा। ठीक है, और कह रहा है करंट भी बताओ, तो I बराबर Q/T होता है, Q का मान कितना है 40, और टी का मान 30, 0 से 0 काट देंगे, 4/3 एम्पीयर के करंट निकल रहे हैं। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सब लोगों को गौर करना है, और हो सकता है आप लोगों ने अगर लगाए होंगे तो लग भी गए होंगे। कह रहा है एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट, एक बैटरी हमारे पास जिसका विद्युत वाहक बल दिया है 4 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध भी दिया गया है, आंतरिक प्रतिरोध है 1.5 ओम। समझते रहिएगा, एक बैटरी का विद्युत वाहक बल, ये हमारे पास एक बैटरी है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये E का मान दिया है 4 वोल्ट, R का मान 1.5 ओम। फिर आगे क्या कह रहा है, 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर से इसका विभवांतर मापा गया। यहां पर एक वोल्टमीटर लगा है, ठीक है, और जिसका रेजिस्टेंस है आर बराबर 1000 ओम, ठीक है, इसका विभवांतर जो है नापा गया है, विद्युत वाहक बल नापा गया है। कह रहा है परिपथ में नंबर एक आपको ज्ञात करनी है धारा आई ज्ञात करनी है, दूसरा ज्ञात करना है कि सेल के सिरों के बीच विभव पतन, सेल के सिरों के बीच विभव पतन, सेल के सिरों के बीच,
यहां का विभव पतन निकालूंगा, मतलब सेल के सिरों के बीच कितना विभव पतन होगा। अरे ये मान के चलिए आपको जो है कि यहां पर सेल में जो विभव पतन होगा वो निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉ यहां पर कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आई निकालते, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पास एक सेल आंतरिक प्रतिरोध, यहां पर बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध में धारा के लिए फार्मूला लगाते थे आई बराबर ई बटे आर प्लस आर, आई बराबर ई बटे आर प्लस आर से लगाते थे, तो ई का मान यहां पर दिया है 4, आर का मान दिया 1000, प्लस स्मॉल आर का मान कितना दिया है, स्मॉल आर का मान दिया है 1.5, तो 4 अपॉन ये 1.5 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि नीचे 1001.5 है तो ऊपर हम करते हैं 4000 गुणे 10 की पावर माइनस 3, भाग करेंगे तो 3.994 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पीयर, कितने एम्पीयर की करंट आएगी। चाहो तो इसको लिख सकते हो 10 की पावर माइनस 3 हटा सकते हो, यहां से मिली एम्पीयर में लिख सकते हो। दूसरा कह रहे हैं कि सेल के सिरों के बीच विभव पतन, देखो V इक्वल टू आई आर, सेल के सिरों के बीच, सिरों सेल के भीतर जो विभव पतन होगा आई आर के बराबर होगा, आई का मान तुमने निकाला है 3.994, आर का मान 1.5, या इसको 10 की पावर माइनस 3 कर ले, आर का मान 1.5, इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक, 15 × 60 का 0, 15 × 9 = 35, 6 = 141, 15 × 9 = 35 होगा 149, 15 × 3 = 45 और 14 कितना हो जाएगा 59, यहां पर पॉइंट आएगा 10 की पावर माइनस 3, या इसको लिख सकते हैं 5.991 × 10⁻³। अगर इसी में पूछ देता कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, कहता वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताओ, तो आप क्या करते, तो भी बहुत आसान था, आप लगा देते बी और आई आर, तरीका ये, आई कितना निकाला था, आई निकाला था 3.994 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और आर का मान कितना 1000 से पावर शिफ्ट खत्म हो गई 3.994 वोल्ट आ गया। या एक और तरीका था, इसको आप ई माइनस आई आर से भी निकाल सकते हैं, ई का मान कितना 4 और 4 में से आप क्या करते आई आर ये वाला घटा देते, यह अलग घटा देते, घटाने पर आपको तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी निकाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे 4, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, यहां तक की एग्जाम्पल भी हल करने हैं, वो भी आपके काम के हैं, कभी कभी एग्जाम्पल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, एक बैटरी है हमारे पास जिसका विद्युत वाहक बल 3.2 वोल्ट है, ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पीयर की धारा भेज रही है, 1.5 ओम का प्रतिरोध है 2 एम्पीयर की करंट भेज रही है, ठीक। आगे कह रहा है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, स्मॉल आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्या आप करेंगे इसको हल करने के लिए, जो बहुत आसानी से स्मॉल आर की वैल्यू निकल आए। देखिए क्या करते हैं आप लोग, ये आपके पास एक बैटरी है ये जिसका ईएमएफ है 3.2 वोल्ट और एक बाहर का प्रतिरोध है 1.5 ओम, इसमें 2 एम्पीयर की करंट भेज रही है, वैल्यू आर की याद करनी ये वाला, ये तो ई हो गया आपके पास, ये आई हो गया और ये कैपिटल आर हो गया, ठीक। तो ऐसा करें आई स्मॉल आर में चाहिए, ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे वी निकाल लेंगे, इक्वल टू क्या लगा ले आई आर, आई का मान कितना, आई का मान 2, आर का मान 1.5, तो 3 वोल्ट बी का मान निकल आएगा। अब क्या आपने फार्मूला पढ़ा बी के लिए, ई माइनस आई, बोलो याद है, बी इक्वल टू ई माइनस आई आर, बी का मान क्या है 3, ई का मान 3.2,
माइनस आई का मान दो स्मॉल आर में चाहिए, इसको इधर ले दो आर बराबर हो जाएगा 3.2 माइनस 3, ये 0.2 बचेगा, आर इक्वल टू आ जाएगा 0.2 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 0.1 ओम जो है इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 5 कि 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5×10^-2 ओम। एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 5×10^-2 ओम है। एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों पर जोड़ा जाता है, अज्ञात प्रतिरोध मतलब आर की वैल्यू अज्ञात है। फिर क्या कह रहा है, सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा, सेल के सिरों का विभवांतर टर्मिनल विभवांतर पूछ रहे हैं, वीटी पूछ रहे हैं। ठीक, और आगे क्या लिखा है, जब इससे 60 एम्पियर की धारा का आहरण, ठीक आहरण का मतलब धारा ली जाती है ना, 60 एम्पियर की करंट ली जाती है, इतना है। एक तो हमें बताना है कि अज्ञात प्रतिरोध है कोई, और हमें लगता है अज्ञात प्रतिरोध का मान नहीं पूछ रहा है, केवल आपसे सेल के सिरों पर विभवांतर वीटी पूछ रहा है। क्या कर दें, वीटी इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा है ई माइनस आई आर, 12 माइनस आई का मान कितना 60, आर का मान 5×10^-2, 12 माइनस 300×10^-2 ये पावर खत्म, 12 माइनस 3=9। अब यदि इसी में पूछ लेता आर का मान, तो आप जानते हैं टर्मिनल विभवांतर आई आर, वीटी का मान 9, आई का मान 60, कैपिटल आर, ठीक है, आर बराबर निकल आता 9/60, 3/20 हो, ये कैपिटल आर का मान निकल आता। ठीक, इस प्रकार हम आर भी ज्ञात कर सकते हैं और सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, देखो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, जो नई बुकों में एनसीईआरटी वाले क्वेश्चनों में दिया होगा। ठीक है, ये आपकी पहले की बुक है उसमें साथ में दिया है, और नई बुक जो होंगी उसमें एनसीईआरटी वाले अभ्यास प्रश्न में स्टार्टिंग से ही यहीं से होगा। कह रहा है किसी कार की संचायक बैटरी, ठीक कार में जो संचायक बैटरी है जिसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, उसका विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट दिया है। ठीक, इक्वल टू 12 वोल्ट दिया है, फिर क्या कह रहा है कि यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो, बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, ठीक कह रहा है बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा, बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा आई मैक्स, याद करो जरा, वैसे आपके पास सूत्र होता है वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, और वी आपका होता है आई इंटू कैपिटल आर, या छोड़ो आई इक्वल टू क्या होता है ई बटे आर प्लस आर। देखो ये तो हो नहीं सकता है कम, लेकिन बाह्य प्रतिरोध को हम कम कर सकते हैं, बाह्य प्रतिरोध को अगर हम जीरो कर दें तो सबसे ज्यादा धारा सेल से प्राप्त होगी। ठीक, तो आई मैक्स का जो मान होगा वो होगा ये मान आर, ई का मान है 12/10^4, 10 हटा देंगे जीरो ऊपर लग जाएगा, 4×3=12, 30 एम्पियर की करंट का अधिकतम हम बैटरी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि बैटरी से हम अधिकतम कितनी करंट प्राप्त कर सकते हैं, तो बैटरी से अधिकतम करंट आप प्राप्त कर सकते हैं 30 एम्पियर की। ठीक, अब जो क्वेश्चन आएंगे उनको थोड़ा ध्यान रखना, उन क्वेश्चनों में कुछ ऐसी शर्तें दी होंगी जहां पर तुम्हें VE समझना है। देखो ये समीकरण आप याद करो, V इक्वल टू E माइनस I, ये बताओ अगर सेल हमारा खुले परिपथ पर हो, खुले परिपथ पर, तो आई का मान जीरो, और अगर आई का मान जीरो तो बी बराबर ई, मतलब जो सेल का विभवांतर लिया जाएगा टर्मिनल विभवांतर वही सेल का विद्युत वाहक बल होगा। कब, जब सेल हमारा खुले परिपथ पर होगा। ठीक, खुले परिपथ पर सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक, अब इसी पर आधारित आपका क्वेश्चन नंबर 7 है,
सेवन नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट। तो देखो क्या जानते हैं आप लोग, खुले परिपथ पर बी बराबर ई और ई बराबर कितना है 1.9, मतलब हमें ई मालूम हो गया 1.9 कितना है 9 वोल्ट। इसके बाद कह रहा है इस सेल को 3 ओम प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर आता है। जब हम इसको 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ देते हैं तो इसकी प्लेटों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर आता है। ये आपका क्या है, टर्मिनल विभवांतर। जब हमने बाह्य प्रतिरोध जोड़ा, जब सेल से धारा प्रवाहित हुई तो विद्युत धारा के से विभवांतर कुछ कम हो जाता है। फिर कह रहा है कि वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा 3 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। आपको सर्किट बनाना है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है और इसमें बहने वाली करंट आई को कैलकुलेट करना है। तो आप परिपथ बना ले, बहुत आसान। ये 3 ओम का प्रतिरोध हो गया और यहां पर लगा दे रहे हैं एक सेल, इसके साथ में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। सेल लगाया है तो सेल के लिए आप प्लेटें ऐसे दिखा सकते हैं, ये आर जो कि अननोन है, ई का मान हमें ज्ञात है 1.9 वोल्ट। फिर आर और आई इसमें कैलकुलेट करना है, ठीक। क्या करते हैं देखिए, बहुत आसान। सबसे पहले लगा दें आई निकाल, या आर निकालो, आर इक्वल टू क्या बताया था, ई अपान बी माइनस वन इंटू कैपिटल आर, ठीक। ई का मान कितना है 1.9, अपान में कितना है, बी का मान 1.5 माइनस 1, आर का मान हो गया 3। इसको सही करेंगे तो ऊपर आएगा 0.4 अपान में 1.5 इंटू में 3। ये पॉइंट हटा दें, 3 से 5 बार काट दें, 5 से 0.8 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। करंट निकाल लेंगे, V इक्वल टू आई आर, वी का मान कितना दिया है 1.5, आई का मान निकालना है, आर का मान 3, आई इक्वल टू आ जाएगा 1.5/3, तो 0.5 एम्पियर की करंट निकालेंगे। तो इस प्रकार आपके 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इसका देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में कि 10 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाली एक बैटरी है। क्वेश्चन नंबर 8, 10 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाली एक बैटरी कह रहा है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम दिया है। फिर इसके बाद किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, एक बैटरी है आपकी 10 वोल्ट वैद्युत वाहक बल की और एक प्रतिरोधक से संयोजित है, ठीक। 3 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध, 1.10 वोल्ट है और ये आर से संयोजित है, ठीक। फिर आगे कह रहा है परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसका मान 0.5 एम्पियर है, 0.5 एम्पियर की धारा है इसमें। फिर आगे क्या कह रहा है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, R का मान पूछ रहे हैं, R की वैल्यू निकालनी है। और जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, टर्मिनल वोल्टता की क्या करेंगे आप, आर कैसे निकालें और वीटी कैसे निकालें। तो देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे आई इक्वल टू ई अपार आर कॉस थीटा, आई का मान 0.5, ई का मान 10, आर का मान मालूम नहीं, स्मॉल आर का मान 3, तिरछी गुणा कर दे क्या आएगा,
0.5 R, 1.5 इक्वल टू 10, क्या कर दें इसको उधर ले जाए, 0.5 R इक्वल टू आएगा 10 माइनस 1.5, ये 9.5, तो R इक्वल टू निकल आएगा 9.5 और 5.5, पॉइंट से पॉइंट आ देंगे, ये 19 बार कट जाएंगे, तो R का मान हो जाएगा 19 ओम। प्रतिरोधक जो हमने लगाया है उसका जो प्रतिरोध होगा वो आपका, एक मिनट देख लीजिए, जान लो कि यहां पर जो सेल का विद्युत वाहक बल दिया है और हम घटा कितना रहे 1.5, तो यहां पर भाई 8.5 बचेगा, 8.5 को हल करोगे तो 5 से 17 बार कटेंगे, 17 ओम इसका जो है आंतरिक बार प्रतिरोधक का मान निकलेगा। फिर पूछ रहे हैं टर्मिनल विभवांतर बताओ, तो चाहो तो E माइनस आई आर लगा लो और चाहो तो VT इक्वल टू आई आर लगा लो, I का मान कितना है 0.5, R का मान 17, 17 बचे 85, 1.5 वोल्ट का विभवांतर निकले, ठीक कुछ कम हो जाता विद्युत वाहक बल से टर्मिनल विभवांतर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आपको एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक ये जो नई बुक है उनमें नहीं है, उसके एनसीईआरटी वाले अलग हैं और ये वाले अलग हैं, ठीक तो इस, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले में जो क्वेश्चन दिए एक साथ में वहां पर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है, क्या कह रहा है इसमें, कुछ ऐसी बात कहेगा जिससे आपको ई ज्ञात हो जाएगा। एक बैटरी के सिरों को उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर से जोड़ने को, एक ये बैटरी हमारे पास, ठीक आर कह रहा है इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसको हमने हाई रेजिस्टेंस के वोल्टमीटर से जोड़ा है, मतलब ज्यादा प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर से जोड़ा है, तो कह रहा है पाठ्यांक 15 वोल्ट मिलता है, इसका जो पाठ्यांक मिला है वोल्टमीटर ने जो बताया वो उच्च प्रतिरोध है इसका, तो इसने बताया 15 वोल्ट, 15 वोल्ट उसने बताया, तो ये जो उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर होते हैं ये लगभग बैटरी का ईएमएफ ही नापते हैं, जितना ज्यादा प्रतिरोध का वोल्टमीटर होगा वो उतना ही सटीक एक्यूरेट वैल्यू देगा, जैसे बैटरी का ईएमएफ जो है 15 है, ठीक तो ये लगभग 14.99 नाप कर देगा जितना हाई रेजिस्टेंस का वोल्टमीटर होगा। देखो होता यह है कि उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर एक्यूरेट मान देते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करो वोल्टमीटर का प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा वो पाठ्यांक उतना ही सही देगा, वास्तव में वोल्टमीटर का प्रतिरोध आप जितना उच्च लेंगे वो उतना ही ज्यादा पाठ्यांक देगा, सही पाठ्यांक देगा। तो कह रहा है उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर से जोड़ा तो पाठ्यांक मिला 15 वोल्ट, तो 15 वोल्ट इसका ईएमएफ है, ठीक। फिर आगे कह रहा है कि बैटरी के सिरों को एक अमीटर से जोड़ने पर, बैटरी के सिरों को एक अमीटर से जोड़ दिया, अमीटर धारा मापक उपकरण है, ठीक, अमीटर से जोड़ने पर अमीटर का पाठ्यांक 1.5 एम्पियर, ठीक अमीटर का पाठ्यांक जो है 1.5 एम्पियर है, और अब जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक है वो 9 वोल्ट। अब ये टर्मिनल को मतलब उच्च प्रतिरोध का वोल्टमीटर उसने नापा था कितना 15, ठीक नापते हैं, जब हमने एक अमीटर जोड़ा संयोजित तार वगैरह जोड़े तो धारा इतनी प्रवाहित हुई, तब इसका पाठ्यांक रह गया 9 वोल्ट, ठीक। तो कह रहे हैं कि वैद्युत परिपथ बनाकर आपको ज्ञात करना है वोल्टमीटर का प्रतिरोध, ठीक, और या पहले पूछ रहे हैं ये लोग आंतरिक स्मॉल वैद्युत परिपथ बनाकर, नंबर एक पूछ रहे हैं बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बताओ, और नंबर में दो में पूछ रहे हैं अमीटर व संयोजक तारों का प्रतिरोध बताओ, मतलब बाह्य परिपथ का प्रतिरोध बताओ, बाह्य परिपथ का प्रतिरोध हो गया आर और आंतरिक प्रतिरोध हो गया स्मॉल आर, बहुत आसान हल कर, बस आपको ये पता चल जाए कि कौन क्या दिया है, इसको कोई हल करने में दिक्कत है। आर को कैसे निकालते हैं याद होगा, EFR E-1 × R, लेकिन E मालूम B मालूम R नहीं मालूम, तो आप निकाल नहीं सकते, पता उसको
तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, वी टी बराबर आई आर लगा सकते हैं या वी बराबर आई आर, हमने टर्मिनल के लिए टी लगा दिया। वी टी का मान कितना है 9, आई का मान कितना है, आई का मान 1.5, आर का मान नहीं मालूम, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/1.5, पॉइंट आधे जीरो पड़ जाएंगे, 15 × 90 कितने ओम आ गया 6। अब स्मॉल आर निकाल लो, आर बराबर क्या, आप तो कोई फार्मूला लगा सकते हो, आर निकल आएगा, चाहो तो आप ये लगा सकते हो क्या कि इक्वल टू ई माइनस आई आर, वहां से भी निकल आएगा, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर वहां से भी निकल आएगा, या ई अपॉन ई माइनस वन इंटू कैपिटल आर, ई का मान कितना है 15, बी का मान 9 माइनस 8 और आर का मान कितना है 6, 15 - 9 कितना बचेगा 6 बचेगा, बटे 9 गुणे में कितना आएगा 6, 36/9, 36/9 का मतलब कितने हो 4, 4 ओम इसका आंसर। ठीक, तो देखो क्वेश्चन को पढ़ो और उसको समझो वो कहता क्या है, क्या दिया है, क्या निकालना है, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व होने लगे। और मुख्य बात ये रहती है कि क्वेश्चनों को हल करने से पहले एक बार चैप्टर अगर रिवाइज कर लें तो बहुत अच्छे है। चैप्टर रिवाइज करने से ये रहता है कि आपको जितने भी फार्मूले होते हैं सब पता चल जाते हैं, और उसके साथ साथ कि कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं क्वेश्चन में, हमें समझना होता है कौन सी वैल्यू क्या दी है, ये भी बातें हमें समझ जाती हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 2 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 0.1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी 5 एम्पियर की धारा से आवेशित की जा रही है, बैटरी के भीतर धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखा है, एक 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक, और 2 वोल्ट की बैटरी को इस बार आवेशित किया जा रहा है, आवेशित करने का चार्ज किया जा रहा है, और चार्जिंग के समय जो टर्मिनल वोल्टता होती है वो विद्युत वाहक बल से ज्यादा होती है चार्जिंग के समय, और जिस समय सेल जो है डिस्चार्ज हो रहा होता है उस समय जो टर्मिनल वोल्टता होती है वो वैद्युत वाहक बल से कम रहती है। ठीक, तो यहां पर क्वेश्चन है, यह बैटरी जो है हमारे पास ये कह रहा है कि चार्ज की जा रही है, ठीक, तो ये एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है 2 वोल्ट, ये ही दिया है, कह रहा है इसको हमने इस बार चार्ज किया है। तो देखो जब धारा बैटरी से निर्गत होती है तो बैटरी के भीतर माइनस से प्लस की ओर धारा जाती है और बाहर प्लस से माइनस की ओर, लेकिन जिस समय से चार्ज होता है उस समय बैटरी के भीतर धारा जो है प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर जाती है, ऐसे जाएगी धारा की, यार हो गया क्रिया होगा। कह रहा है कि 0.1 ओम आंतरिक प्रतिरोध, 0.1 कह रहा है 5 एम्पियर धारा स्रोत वाले स्रोत से इसे चार्ज किया जा रहा है, कह रहा था बताइए बैटरी के भीतर धारा की दिशा, तो चार्जिंग के समय धारा की दिशा क्या होगी, धारा की दिशा, धारा की दिशा हो गई धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड के लिए, या धन सिरे से ऋण सिरे के लिए, धन सिरे से ऋण सिरे की, ठीक। दूसरा कह रहा है कि इस कंडीशन में सेल की टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी, तो देखो चार्जिंग के समय क्या होगा, चार्जिंग के समय टर्मिनल वोल्टता का मान होता है E प्लस आई, और डिस्चार्जिंग के समय टर्मिनल वोल्टता का मान होता है E माइनस आई आर। तो इस क्वेश्चन में केवल ध्यान रखना है कि हमें E प्लस आई आर का यूज करना है, क्या है आई का मान 2 दिया है, आई का मान 5 है, आर का मान 0.1, 2 + 0.5 कितने वोल्ट निकल आएगा 2.5। देखो इस स्थिति में सेल की जो टर्मिनल वोल्टता है विद्युत वाहक बल से थोड़ी ज्यादा आई है, और अगर यही क्वेश्चन होता है इससे धारा 5 एम्पियर निकल रही होती तो कम हो जाता है, तो विद्युत वाहक बल जो है विद्युत वाहक बल से टर्मिनल वोल्टता कम निकल जाती है, तो 1.5 में जो घटानी पड़ी जोड़ने पर 2.5। इसके बाद देखिए
जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, आसान है और उसके जैसे दो न्यूमेरिकल हूं, कोई एक पढ़ लो दूसरा हो जाएगा। कह रहा है कि किसी सेल से 0.6 एम्पीयर की धारा ले लो। इस बुक में भाई 11 नंबर क्वेश्चन है, अपना ढूंढ लेना। किसी सेल से 0.6 एम्पीयर की करंट जब ली गई, देखना ध्यान से, तो कह रहे हैं कि सेल का टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट। ध्यान देते रहे, ऐसा क्वेश्चन समझाया था। फिर कह रहा है कि उसी सेल से जब धारा 0.8 एम्पीयर लेते हैं तो सेल का जो टर्मिनल विभवांतर है वो 1.3 वोल्ट हो जाता है। मतलब एक सेल है हमारे पास, एक सेल है ये और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ये है, जब इससे हमने 0.6 एम्पीयर की धारा ली तो टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, धारा को कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं? आप धारा को कम ज्यादा कर सकते हैं बाहर प्रतिरोध बदल कर, बाहर वाला प्रतिरोध जो है पहले कुछ रखा होगा 1.6 एम्पीयर की धारा बहुत, फिर बाहर वाला प्रतिरोध थोड़ा बढ़ा कम कर दिया होगा तो धारा थोड़ी बढ़ गई होगी। ठीक, फिर जब 0.8 एम्पीयर की धारा ली तो विद्युत टर्मिनल विभवांतर 1.3 वोल्ट हो गया। क्या दोनों कंडीशन में बैटरी तो वही है, तो बैटरी का ईएमएफ वही रहना है और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी वही रहना है, ये तो बदलेंगे नहीं। तो कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर ज्ञात करो। तो देखो प्रथम स्थिति में आपने धारा कितनी ली, 1.6 वी का मान 1.6। तो प्रथम स्थिति में देखो पहली कंडीशन क्या है, केस वन में है क्या है, V इक्वल टू आप लगा सकते हैं E माइनस आई आर, V का मान 1.6 वोल्ट। ठीक, V का मान 1.6 वोल्ट, E का मान हमें मालूम नहीं, I का मान 0.6 साथ में हो गया R इक्वेशन का। ठीक, इसके बाद सेकेंड केस क्या है, केस दो में क्या हुआ, V इक्वल टू लिखा है फिर से E माइनस आई आर लगाना है, V इक्वल टू E माइनस आई आर, इस बार V का मान है 1.3, E का मान कितना है नहीं पता, I का मान कितना 0.8 साथ में आ, इसको इक्वेशन क्या डालेंगे सेकेंड डाल। ठीक, अब क्या करें, अब करना क्या है, इससे इसको माइनस कर, सभी गणे -2 से लिखेंगे समीकरण ए -2 से। बताओ 1 से 2 घटाओगे क्या है, 1.6 से 1.3 घटेगा तो 0.3 बचेगा। ठीक, फिर ई से ही घटेगा 0 हो गया, ये है -0.68 और घटाना है तो ये प्लस हो जाएगा तो -0.6 प्लस का 0.8 तो प्लस का 0.2 बचेगा तो R इक्वल टू आ जाएगा 0.3/0.2, पॉइंट से पॉइंट कट घट जाएगा, R इक्वल टू आ जाएगा 3.2 का मतलब 1.5, ये निकल आएगा बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, फिर इसके बाद हमसे कह रहा है कि बैटरी का वैद्युत वाहक बल बताओ, तो इस R का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, E का मान निकला है। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में R का मान रखेंगे तो क्या आएगा 1.6 ई माइनस 0.6 आर का मान 1.5 कितना आएगा 1.6 ई माइनस ये आएगा 0.9 है ये छोड़ देंगे 0.9 इधर ले आओ तो हो जाएगा 1.6 प्लस 0.9 क्या रहेगा 2.5 वोल्ट इसका उसका ईएमएफ होगा और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो आपका कितना होगा 1.5। देखिए इसी पर आधारित क्वेश्चन आपका है 12 जो इस बुक में दिया है, 12 नंबर क्वेश्चन जो है बिल्कुल यही है। ठीक, और 13 नंबर क्वेश्चन एक और देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन जो है सेम इसी प्रकार का है, बस वैल्यू चेंज है, आसानी से हल कर लेना।
इस बुक में जो है 13 नंबर क्वेश्चन दिया है जो हम बताने जा रहे हैं, होगा ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है, कुछ ऐसे मिलेगा। कह रहा है कि 60 ओम के बाह्य प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ने पर 0.3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। एक 60 ओम का प्रतिरोध है, 60 ओम का बाह्य प्रतिरोध है ठीक, और इसको एक बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ने पर इसमें 0.3 एम्पीयर की करंट फ्लो होती है, ध्यान देना। फिर आगे कह रहा है तथा प्रतिरोध घटाकर 30 ओम कर दे, तो 60 की बजाय अगर हम 30 ओम प्रतिरोध कर दें तो धारा का मान बढ़ जाएगा, तो धारा का मान 0.5 एम्पीयर हो जाता है, धारा 0.5 एम्पीयर हो गई ठीक। यहां भी दो केस है, जब बाह्य प्रतिरोध का मान 60 ओम है तो करंट 0.3 एम्पीयर, जब बाह्य प्रतिरोध का मान 30 ओम है तो करंट 0.5 एम्पीयर। तो कह रहा है कि बैटरी का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R ज्ञात करें, क्या करें कैसे हल करें, फिर से वही केस वन, केस वन में R I को देख लो एक इक्वेशन बना लो, केस टू में R I को देख लो सेकेंड इक्वेशन बना लो, दोनों को हल कर दो E और R निकल आएंगे। लेकिन इस बात में यह ध्यान रखना है कि ऐसा सूत्र लेना है जिसमें आई आर ई स्मॉल आर आते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में वी ई आई आर था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमें ऐसा सूत्र लेना है जिसमें आई आर आर हो, कैपिटल आर हो, ई हो, स्मॉल आर हो ठीक। तो केस वन, केस वन में क्या है, आप करंट का सूत्र ये जानते हैं आई इक्वल टू ई पार आर प्लस आर ठीक है, देखो इसमें सभी ई भी है आर भी जो कभी नहीं बदलते, ये कम ज्यादा करोगे गड़बड़ जाएंगे और कुछ नहीं बदलेगा। आई का मान केस फर्स्ट में क्या है 0.3, ई अपार आर का मान क्या है, आर का मान है 60, स्मॉल आर नहीं मान, क्वेश्चन फर्स्ट का ठीक। फिर केस दो में क्या हुआ, केस दो में ये है आई इक्वल टू ई अपार आर प्लस आर फिर लगाना है, आई का मान 0.5, ई नहीं पता, आर का मान कितना है, आर का मान 30, आर इसको दो डाल दो, देखो अब इसको कैसे हल करें, अब डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर इसे ही कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको हल कर लेंगे आर निकल आएगा, और आर का मान निकाल के किसी भी इक्वेशन में रख लेंगे ई का मान निकल आएगा, क्या कर दें समीकरण 1/2 से, एक में है लेफ्ट हैंड साइड में 0.3, राइट हैंड साइड इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 0.5, राइट हैंड साइड में उसमें है ई बटे 60 प्लस आर, इसमें क्या है ई बटे 30 प्लस आर, इसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा ठीक, क्या आएगा 3.5 इधर उधर देख लो, इधर आएगा 30 प्लस आर ऊपर चला जाएगा नीचे 60 प्लस आर ठीक। अब तो हल करना काफी आसान है, क्या कर दें बताइए, तिरछी गुणा कर दें, तिरछी गुणा करेंगे तो आएगा 180 प्लस 3R, उधर क्या आएगा 150 प्लस 5, आर आर वाले एक तरफ कर लो इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर करोगे 30 बचेगा, उधर पे जो कोई 2R आएगा आर इक्वल टू 30 पॉइंट टू इक्वल टू आएगा 15 ओम प्रतिरोध नहीं है ठीक, इसमें आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू जो है 15 ओम है, ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध है बैटरी का ठीक, तो फिर बैटरी बढ़िया छोड़ो ना, ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध होगा तो बैटरी बढ़िया नहीं है, धारा कम मिलेगी ठीक। फिर क्या करें, आर का मान समीकरण एक में रख लें, समीकरण एक से 0.5 सॉरी 0.3 ई बटे 60 प्लस आर का मान 15, 15 60 जोड़ेंगे 75 होगा, 75 की तिरछी गुणा करेंगे 22.5 मिलेगा बराबर, ई बराबर हो जाएगा 22.5 ठीक। तो देखो आप लोगों ने 13 तक न्यूमेरिकल किए हैं और होमवर्क में ये मान लीजिए कि आपको टोटल 20 तक आज कंप्लीट करना है, 20 तक में जो भी नहीं हो रहे हैं उनको कमेंट भी कीजिएगा, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे।